Hi everyone, welcome back. My name is Galaxy Parmar, और आपने thumbnail में देख ही लिया होगा कि आज भी आपके सामने algebra का जो chapter number 3 है, that is arithmetic progression, इसके handwritten notes लेके आ गई हूँ। ये जो notes होता है ना, उसमें क्या-क्या होता है? देखो मैं बताती हूँ। ये जो notes मैं आपको provide करती हूँ ना, इसमें concept होता है। अब ये देखो, ये notes आपको कब काम आएंगे? जैसे कि मान लो कि आपको कोई concept नहीं समझ में आ रहा है, या जो concept है वो क्या है, उसका formula क्या है, तो आप ये notes refer कर सकते हो। मैंने already बहुत सारे chapters के handwritten notes दे दिए हैं। I hope आपने download कर लिया होगा। अगर जिसने download कर लिया तो वो मुझे comment में जरूर बताना कि आपने download किया है कि नहीं किया है, ठीक है? जिसने download किया है वो बताओ मुझे कि हाँ मैंने तो डाउनलोड कर लिया है, ठीक है? और यहाँ पे देखो मैंने कौन कौन से चैप्टर्स के नोट्स दे दिए, तो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, मैंने चैप्टर नंबर 1 जो है एलजेब्रा का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों चैप्टर के नोट्स दे दिए हैं। और आज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के भी नोट्स मिल जाएंगे, तो टोटल 3 चैप्टर्स के नोट दे दिए हैं एलजेब्रा, ठीक है? व्हाट अबाउट ज्योमेट्री? तो ज्योमेट्री के मैंने 2 चैप्टर के नोट्स दिए, दैट इज चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी एंड चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम। अब आप बोलोगे कि आगे के नोट्स कब मिलेंगे, तो टेंशन मत लो, मैं ना आपको सारे नोट्स जो है ना वो मतलब नवंबर तक दे दूंगी, नवंबर तक सारे चैप्टर्स के नोट्स दे दूंगी, एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री फुल चैप्टर के नोट्स दे दूंगी, ठीक है? हैंड रिटन नोट्स। और ये नोट्स में क्या होता है बताओ, इस नोट्स में क्या होता है? इस नोट्स में जो है ना कॉन्सेप्ट होता है, तो ये बहुत काम का है। एंड मोमेंट में जब आप रिवाइज करोगे ना, तो इस नोट्स की मदद से आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है? चलो मैं आपको बताती हूँ कि ये नोट्स मैंने कैसे बनाए हैं। जैसे कि ये देखो, ये हमारा क्या है, पेज नंबर 1 है। पेज नंबर 1 में आपको ये मिलता है कि जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसके जो टॉपिक्स है वो क्या क्या है, तो वो आपको पेज नंबर 1 में मिलेगा कि कितने प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट का क्या टॉपिक है, तो वो पूरा आपको पेज नंबर 1 में मिलेगा। जैसे एक इंडेक्स कैसे होता है वैसा, ठीक है? तो ये आप देख लेना। उसके बाद पेज नंबर 2 बहुत ही छोटे नोट्स है, 2 पेज के नोट्स है, ज्यादा नहीं है। उसके बाद देखो ये डेफिनेशन है, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, वो सब मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कौन से सीक्वेंस को हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, वो सब मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है? उसके बाद जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी क्या क्या है वो यहाँ पे मैंने लिखा है, जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होते हैं वो यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है? फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है nth टर्म। nth टर्म का जो फॉर्मूला है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये nth टर्म का फॉर्मूला है। उसके बाद sn, sn का जो फॉर्मूला है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। दो है sn के फॉर्मूला। अगर आपने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ, बरोबर? तो ये sn का पहला फॉर्मूला, ये sn का दूसरा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब यूज करने का, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करने का, वो देखो यहाँ पे मैंने पिंक कलर में आपको मेंशन करके दिया है, ठीक है? ये लास्ट में एक छोटा सा नोट कर लेना कि जब भी आपको 3 कॉन्जिकेटिव टर्म्स लेने हैं एपी के तो आप ये लेना, और अगर 4 कॉन्जिकेटिव टर्म्स लेने हैं एपी के तो ये वाले लेना, ठीक है? ओके, तो ये था नोट्स, इतना सा नोट्स था बस। इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड कैसे करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। यार टेलीग्राम ग्रुप में मैं ऐसे ही आपको दे दूंगी, बस आपको क्या करना है, फिर एक डाउनलोड का बटन दबाना है और डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मुझे आपसे करनी है, तो ध्यान से सुनना। अब आप बहुत लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर आप कब से स्टार्ट करोगे, तो मैं क्या बोल रही हूँ, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर ऑलरेडी पूरा पढ़ा के हो गया है विथ प्रॉब्लम सेट। प्लीज चेक प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट चेक तो करो। प्लेलिस्ट चेक करने का क्या लोगे बताओ, एक मिनट, पेन चेंज कर रही हूँ, वाइट कलर का मुझे पेन लेना है। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप फॉर स्टडी मटेरियल। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि जब एग्जाम नजदीक आएगी, बोर्ड एग्जाम, तब आप ज्वाइन करोगे, और तब मैं आपको एंट्री नहीं दूंगी फिर। अरे मजाक कर रही हूँ, दे दूंगी एंट्री, ठीक है? आ जाओ ज्वाइन कर लो, क्यों अभी, उसमें हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं वो सब मैं टेलीग्राम ग्रुप पे देती हूँ, ठीक है? तो टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, तो देख लो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और वहां पे आप बस ज्वाइन कर लो, ठीक है? समझ में आया? ओके, नाउ सेकंड, डाउनलोड अदर चैप्टर्स हैंड रिटन नोट्स फ्रॉम टेलीग्राम ग्रुप और डिस्क्रिप्शन। हाँ, अभी बाकी के जो चैप्टर्स है ना उसके भी हैंड रिटन नोट्स आप डाउनलोड कर लो। अब कहाँ से डाउनलोड करोगे, या तो डिस्क्रिप्शन में देख लो, ठीक है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लो, लिंक पे क्लिक करो, आपको नोट्स सामने नजर आएंगे, डाउनलोड कर लेना, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं आपको आज सेंड कर दूंगी सारे जितने भी मैंने चैप्टर्स के नोट्स बना के रखे हैं वो, ठीक है? फिर आ जाता है थर्ड, प्लेलिस्ट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ फुल चैप्टर, दैट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है? यानी कि जो हमारा एरिथमेटिक चैप्टर है, इसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी चैप्टर का कोई भी प्रैक्टिस सेट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है? बाकी बहुत सारे चैप्टर्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं,
तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सब चैप्टर का, देख लो जो देखना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखो एक बहुत आपको शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये जो TN है और ये जो SN है इसमें क्या डिफरेंस है। एक्चुअली में TN और SN में डिफरेंस नहीं, बच्चों को प्रॉब्लम होती है TN एंड N में। ओके, यहाँ पे मैं गलती से मैंने S लगा दिया। वैसे देखो बच्चों को डिफरेंस होती है कि ये जो TN है और ये जो N है इनमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे पता चलता है कि TN निकालना है कि N निकालना है, तो उसका मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है। तो वो स्पेशल वीडियो की जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या जो आप प्लेलिस्ट चेक करोगे ना वो प्लेलिस्ट में ही आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। थंबनेल देख लेना, डिफरेंस बिटवीन TN एंड N, तो ये जरूर देखना, बहुत काम का है। उसके बाद वही है चेक प्लेलिस्ट, अदर चैप्टर्स के प्लेलिस्ट के वीडियोस आप चेक कर सकते हो, एंड देन सब्सक्राइब फॉर मोर, ठीक है। तो बस आप सारे हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर लो, अच्छे से पढ़ाई करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस ज्यादा करो एंड फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। मतलब कॉन्सेप्ट पे फोकस ज्यादा करो इन द सेंस मतलब कि पहले कॉन्सेप्ट देखो उसके बाद उसके रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो आपका बहुत अच्छे से स्मूथली हो जाएगा एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, और अगर कुछ डाउट है तो मुझे कॉमेंट में पूछ लेना। तो ये जो भी वीडियोज मैंने बोले वो जरूर देख लेना, ठीक है। ओके चलो, अभी फ्रेंड्स लोग को भी ये जो नोट्स है वो शेयर कर देना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।